तो द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो बन गई हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य द्रौपदी मुर्मू को हासिल हुआ। चुनाव भले ही राष्ट्रपति का था, मगर इसे 2024 के चश्मे से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है वो आगे आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि मुकाबला कैसा रहा और पिछले राष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ था। उसके बाद मुर्मू की जीत के सियासी मायने भी आपको बताएंगे। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला देखा गया। मगर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जिस तरह से कई विपक्षी दलों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किए, उससे उनकी जीत पहले ही तय मानी जा रही थी और हुआ भी यही। आपको बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 99.18% वोटिंग हुई थी। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ साथ कई विपक्षी दलों का भी द्रौपदी मुर्मू को साथ मिला। शिवसेना हो, बसपा हो, बीजेडी हो, बीआरएस हो, वाईएसआर कांग्रेस हो, शिरोमणि अकाली दल हो, टीडीपी, जनता दल एस, जेएमएम, सुभाषपा के साथ साथ कई विपक्षी दलों ने मुर्मू के पक्ष में वोट किया। इसके साथ साथ कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी की ओर से भी क्रॉस वोटिंग हुई। ऐसे में मुर्मू की जीत पहले ही पक्की दिख रही थी। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि पिछले चुनाव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आखिरकार कितने वोट मिले थे। दरअसल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल और दलित चेहरे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया, तो विपक्ष ने मीरा कुमार को मैदान में उतारा था। राष्ट्रपति चुनाव में 10,98,903 वैल्यू के वोट में रामनाथ कोविंद को 7,02,044 वोट हासिल हुए थे, जबकि मीरा कुमार को महज 3,67,314 वोट मिले थे। रामनाथ कोविंद 66% वोट के साथ देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए थे। वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को 34% वोट के साथ संतोष करना पड़ा था। मगर द्रौपदी मुर्मू की जीत के बेहद दिलचस्प मायने 2024 के लिहाज से भी निकाले जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? अब वो भी समझिए। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत एनडीए के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा भी लिख सकते हैं। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करने वालों को भी झटका लगा है। 2024 के बाद से लगातार विपक्ष की ओर से कई बार ऐसी कोशिशें की जा चुकी हैं कि विपक्ष एकजुट दिखाई दे, लेकिन अभी तक धाक के तीन पात ही रहा। संसदीय चुनाव में भी ये हो नहीं पाया और राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बतौर अपना उम्मीदवार भी उतारा, लेकिन समर्थन को लेकर कई दल पीछे हट गए। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी कार्ड चलने से राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता में जबरदस्त तरीके से फूट पड़ी। डीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी से लेकर बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, जेएमएम, शिवसेना, सुभाषपा, शिरोमणि अकाली दल हो या फिर दूसरे विपक्षी दल, एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आकर खड़े हो गए। ऐसे में एक बार फिर से ये साबित हो गया कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का दाव फिलहाल चल नहीं रहा, जिसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा साफ तौर पर दिखता है। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय के बीच भी बीजेपी को अपना सियासी आधार बढ़ाने का मौका मिलेगा। सो अलग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।